नमस्कार, देवभूमि दिनभर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा ली है। गुरुवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 28 जून को यात्रा पर लगाए रोक के निर्णय को वापस ले लिया है। कोर्ट ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दिए हैं। बड़ी परीक्षा में सीएम पुष्कर पास, चार धाम का रास्ता साफ, अर्थव्यवस्था पकड़ेगी धार, रोजगार को मिलेगी रफ्तार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है। गुरुवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 28 जून को यात्रा पर लगाई रोक के निर्णय को वापस ले लिया है। कोर्ट ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटाया है। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 भक्त, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 भक्तों को जाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही कोविड निगेटिव रिपोर्ट और डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आना जरूरी होगा। आज चारधाम की यात्रा की सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपना जो स्टे है वो वैकेट करवा दिया है और कल से चारधाम यात्रा खुल सकती है। गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया था 150 पेज का, कोर्ट ने अपनी तैयारी दिखाई थी, तो उसमें हमने कोर्ट को बताया था कि जो उन्होंने डाटा शो किया है वो थोड़ा कम है और हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि जो वैक्सीनेशन का जो इनका डोज का है, सेकेंड डोज अभी नहीं लगे हैं तो सेकेंड डोज लोगों को लगा दिया जाए 30 दिन के अंदर। केरला हाईकोर्ट का ऑर्डर का हमने हवाला दिया था कोर्ट को। महामारी का कम हो गया है और कोरोना रिस्ट्रिक्शन के जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उन सब का हम पालन करेंगे और हमने अपना एक प्रस्ताव दिया और माननीय न्यायालय ने आज उस पर अपनी सहमति दी है। हम जो है हमारा हर हाल में यात्रा चलेगी और यात्रा पूरे कोरोना को ध्यान में रखते हुए जान माल की भी सुरक्षा रहे और यहाँ पर दर्शन भी हों, चारधाम यात्रा भी चले, जिससे कि वो हमारे बहुत सारे लोग, हजारों लाखों की संख्या में लोगों का रोजगार से जुड़ी हुई यात्रा है, यात्रा चल रही है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि यात्रा अच्छे, हमारा जल्द से जल्द आज हम बैठक करने वाले हैं और जल्दी से जैसे जैसे इंतजाम होंगे उसके हिसाब से हमारी कोशिश है कि जल्दी से उस यात्रा को शुरू कर दें। हाईकोर्ट के चारधाम यात्रा शुरू करने के फैसले के बाद विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि प्रदेश सरकार हमेशा दबाव में ही काम करती है, चारधाम यात्रा तो पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने पहले से कोर्ट में पैरवी नहीं। सरकार हर काम दबाव में करती है, जैसे कि पहले सरकार ने कहा कि हम रोजगार देने के लिए कृत संकल्प है, लेकिन रोजगार देने रही थी, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया तो तब कहने लगे कि हम 22,000 पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और कुछ हद तक उन्होंने प्रक्रिया शुरू की। ये दिखता नहीं है कि उनकी पूरी मनसा हो कि ये 4 महीने में ये पद भर पाएँ, लेकिन इसी प्रकार चारधाम यात्रा में भी जब कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया उस दबाव के चलते सरकार घुटने पर मजबूर हुई, सरकार के घुटने टिकने पर मजबूर हुए। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राज्य सरकार पर दबाव बना रहे थे। वहीं चार धामों के तीर्थ पुरोहित भी यात्रा शुरू करने के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जुटे थे। ऐसे में सरकार बीच भंवर में फंसी हुई थी, लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने सरकार को चारधाम यात्रा शुरू करने की अनुमति दे दी है तो सरकार को एक बड़ी राहत मिली। देर से ही सही, लेकिन सरकार के प्रयासों से हाईकोर्ट ने आज चारधाम यात्रा की संचालन की सशर्त मंजूरी दे दी है। अब सरकार इसके लिए SOP तैयार करेगी और पर्याप्त वो व्यवस्थाएं करेगी ताकि नियमों के पालन के साथ चारधाम यात्रा शुरू हो। कहीं ऐसा ना हो कि हरिद्वार में हुई कोविड जांच की तरह ही चारधाम यात्रा मार्ग पर भी इस तरीके का कोई फर्जीवाड़ा शुरू हो जाए। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, News 1 India, देहरादून। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद चारधाम यात्रा पर जो रोक लगी थी वो हटा दी गई है। इसके बाद हर जगह उत्साह देखने को मिल रहा है। वही केंद्रीय मंत्री एवं प्रभारी प्रहलाद जोशी ने खुशी व्यक्त करते हुए अदालत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यात्रा के लिए आने वाले लोग नियमों का पालन करें, यहां सभी का स्वागत रहेगा। आज कोर्ट के आदेश के
कारण हमारा चार धाम का यात्रा आज शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार भी ये यात्रा के पुनर्शुरू हो जाए, ये हमारा स्पष्ट बहुमत था। आज कोर्ट सरकार के पक्ष सुनते हुए और हमारा जो याचिका सुनते हुए आज पुनः उन्होंने अनुमति दिया है ऑनरेबल हाईकोर्ट। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। सीएम धामी ने अपने जन्मदिन का शुरुआत जो है वो टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूं कि हमारा प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर दिन की शुरुआत टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। सीएम ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर उत्तराखंड की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य हैं। आज भगवान की शरण में आया हूं। भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूं कि प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुए। टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री धामी राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे। सीएम ने यहां पर दृष्टिबाधित बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा की कि संस्थान में बच्चों के स्कूल बस की व्यवस्था की जाएगी और 10 कंप्यूटर दिए जाएंगे। यहां पर मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण भी किया और दृष्टिबाधित बच्चों को मिठाई बांटी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आज बच्चों के बीच आकर बेहद खुश हूं। उन्होंने कहा कि जीवन में संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति दो ऐसी शक्ति हैं जिनसे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी इतिहास बनाया है वो साधारण परिस्थितियों में अपनी इच्छा और संकल्प शक्ति से बुलंदियों पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री धामी को उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने बधाई दी है। वैसे तो राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करते हुए बहुत कम दिन ऐसे होते थे कि मैं अपना जन्मदिन कभी घर पर मना पाता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी रहा तो पिछले वर्ष मेरे पूज्य पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए मुझे आज कल से मेरे मन में था कि जो बच्चे हमारे इनके माता पिता नहीं हैं, जो अनाथ हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से माँ बाप का साया न होने के कारण से किस प्रकार की उनके अंदर बीती होगी, किस प्रकार की उनकी स्थिति होगी, उसको मैं भली बात ही समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी का भी पिछले वर्ष देहांत हो गया। अब मुझे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उनके बिना ही जो है सब काम करने पड़ रहे हैं, सब आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि उन बच्चों की क्या स्थिति होगी। इसलिए ऐसे जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम सहारा दे पाएँ, उन बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ, सभी को आगे आके इन नौनिहालों के भविष्य के लिए काम करना चाहिए और हमारी सरकार भी इस दिशा में काम करेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें जिस तरह से काम करने की क्षमता दें, उनकी ऊर्जा बढ़ाएं और लंबी उम्र उनको दें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का जन्मदिन है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, भगवान उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाए। पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश के युवाओं को नायाब तोहफा भी दिया। मुख्यमंत्री ने मार्च 2022 तक उत्तराखंड में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि लोक सेवा आयोग, चयन आयोग समेत दूसरी भर्तियों के लिए भरे जाने वाले फॉर्म पर युवाओं को कोई फी नहीं चुकानी होगी। हमने जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद, चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए जो भी आवेदन पत्रों के लिए जो शुल्क लिया जाता था वो शुल्क हम इस बार नहीं लेंगे। इस बार उस शुल्क को जो है आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक हम इसको पूरी तरह से फ्री करते हैं। जितने भी बच्चे हमारे इनमें भाग लेंगे उससे पहले हमने जो है उन बच्चों के लिए समूह को और ख सभी में गौ में जो है एक साल की आयु सीमा बढ़ाई है और हम शुल्क का भी पूरी तरह से मुक्त कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 में पिथौरागढ़ के ग्राम सभा टूंडी के तहसील डीडीहाट में हुआ। पुष्कर धामी ने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है। धामी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की खटीमा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इससे दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। 2012 और 2017 का चुनाव उन्होंने जीता है। बेरोजगारी के साथ ही विकास के मुद्दों को लेकर वो प्रखर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
तो उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं का उत्तराखंड का दौरा शुरू हो चुका है। बीजेपी के नए नवेले चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी आज उत्तराखंड पहुंचे। प्रहलाद के साथ दोनों से प्रभारी लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह भी उत्तराखंड पहुंचे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर तीनों नेताओं का जोरदार कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों का स्वागत करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह ने अपने चुनाव प्रभारियों का स्वागत किया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से तीनों नेता देहरादून के लिए रवाना हो गए। रास्ते में कई स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों का जोरदार स्वागत किया। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह की अस्थियां हरिद्वार पहुंची हैं, जहां तीर्थ पुरोहितों ने वीआईपी घाट पर विधि विधान से उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित किया और उनकी आत्म शांति की कामना भी की गई। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिवंगत कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भगवान राम ने उनके पिता को धरती पर भेजा था और निर्माण होने के बाद उन्हें अपने वापस बुला लिया। पार्टी के उन नेताओं में से थे जिन्होंने पार्टी को स्थापित किया, और यही नहीं तो उनका एक बड़ी स्पष्ट सोच थी कि जब तक पार्टी गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी का इंसान, ये स्लोगन दिया था उन्होंने कि पार्टी जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम कैसे अपनी राजनीतिक यात्रा की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कार्यक्रम उन्होंने पांच जगह रखा है। एक जगह वो थी जहां उन्होंने काम किया, जहां से सांसद से बलेसर से अंतिम अंत्येष्टि वहीं हुई थी उनकी, और उसके बाद में एटा, उसके बाद में इलाहाबाद, अयोध्या और आज अंतिम अस्थि हमने हरिद्वार में प्रसिद्ध की। उनके साथ उनके पुत्र पौत्र, उनकी बहू बेटे नाती पोते समस्त परिवार के साथ उन्होंने आकर के आज सनातन पद्धति का पालन करते हुए माँ गंगा के गोद में आज बाबूजी के जो बचा हुआ अवशेष अस्थियाँ थी उनको आज गंगा जी में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्होंने जो आज माँ गंगा जी के हरिद्वार अस्थि विसर्जन किया। हम उनके हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित होने के नाते हमने उनको सारा विधिवत, सारा संपूर्ण विधिवत कार्य कराया और माँ गंगा से प्रार्थना की कि बाबू जी की आत्मा को माँ गंगा अपने चरणों में दिव्य स्थान। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी तीन आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 60 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। असली मसाले साथ साथ MDH। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चटनी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH MDH।
उधर विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने पार्टी में 10 लाख नए लोगों को सदस्यता दिलाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अभियान की शुरुआत की। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि जो व्यक्ति कांग्रेस की सदस्यता लेना चाहते हैं उसे पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा, साथ ही हर व्यक्ति की सदस्यता का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। बीजेपी का सदस्यता अभियान पूरी दुनिया में बहुत ही अजब गजब का है। वो ये मानते हैं कि इस नंबर पे मिस कॉल दीजिए आप सदस्य हो गए। ये सही रूप में सदस्यता अभियान, ये उसमें भी फर्जीवाड़ा है उनका। तो हमारा सदस्यता अभियान, हम पर्ची फाड़कर और जो व्यक्ति कांग्रेस की सदस्यता लेना चाहेगा उसी को कांग्रेस का सदस्य बनाएंगे। उनका पूरा डाटा उसमें होगा, पूरा जानकारी उस पर्ची में होगी। हमारे पास जो उसका एक पार्ट रहेगा उसमें पूरी जानकारी। आने वाली 19 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के होने वाले दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। तय कार्यक्रम के मुताबिक केजरीवाल गोलापार हेलीपैड पर आएंगे, जहां से उन्हें सर्किट हाउस ले जाया जाएगा, जहां पर वो पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव यानी 2022 को लेकर रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। कुछ समय पूर्व आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड में बिजली कैंपेन लॉन्च किया था, और बिजली कैंपेन लॉन्च होने के बाद जो पूरे प्रदेश में उत्तराखंड प्रदेश की जो पुरानी यहाँ पर अभी तक यहाँ पे जो सत्ता में रही है भाजपा और कांग्रेस, वो दोनों पार्टियां बिल्कुल बैकफुट पर आ गई। उनको भी बिजली कैंपेन घोषित करना पड़ा। उन लोगों ने भी अपनी तरफ से फिर प्रयास किया कि हम भी बिजली देंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी एक अलग तरह का एक पॉलिटिकल मॉड्यूल पर काम करती है। वो जनता की दबिश को समझती है, जनता की क्या डिमांड है, जनता की क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, उनको समझती है। हरिद्वार में 18 सितंबर को 3 दिवसीय परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में यात्रा निकाली जाएगी, जिसके तहत भगवानपुर विधायक ममता राकेश के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वही कार्यक्रम के संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में यात्रा निकाली जाएगी और ये पदयात्रा एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन होगा, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव के को प्रभावित करेगा, और इस यात्रा के निकालने से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। 18 तारीख से परिवर्तन यात्रा हरिद्वार में आ रही है, तो 18 तारीख से शाम को हैदराबाद रानी को होते हुए नहीं दादी आएगी, और उसके बाद हमारे यहाँ 19 सितंबर सुबह पहला कार्यक्रम कल्याण विधानसभा में 10 बजे, उसके बाद 11 बजे 11:30 लेकिन लगभग परिवर्तन यात्रा भगवानपुर विधानसभा में गंगा खाड़ू से होते हुए भगवानपुर बाजार से होते हुए ये पूरे उत्तराखंड प्रदेश में रखे गई परिवर्तन पद यात्रा हमारी खटीमा से शुरू हुई थी और वहाँ पर पूरा जनसभा उमड़ा है। जनता चाह रही है कि उत्तराखंड प्रदेश में परिवर्तन किया जाए। इस सरकार ने इतने बेरोजगारों पर, किसानों पर लोकतंत्र हत्या करने का काम किया, संविधान को बचाने का प्रयास हमारी ये पदयात्रा करेगी और लोग इससे बहुत जुड़ रहे हैं। अभी जो सेकेंड फेज है, पहला फेज खटीमा से शुरू किया गया था, इस सेकेंड फेज में जिला हरिद्वार रखेगा, तो इसमें 17 तारीख को हर की पेड़ी पर पूजा अर्चना की जाएगी और शाम को ये यात्रा वहीं पर विश्राम करेगी। ये पूरे उत्तराखंड प्रदेश में हल्द्वानी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, साथ ही गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान पुलिस ने 2 लैपटॉप, 8 CPU सहित 19 मोबाइल भी इस दौरान बरामद किया है। मामले में SP प्रीति प्रियदर्शनी ने बताया कि पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए साउथ दिल्ली के संगम बिहार स्थित एक फ्लैट से ठगों को गिरफ्तार किया है, जो ऑनलाइन वेबसाइट को चलाकर लोगों से ठगी का काम कर रहे थे, और 3 आरोपियों में से 1 आरोपी अब भी फरार है। ये थाना मुखानी क्षेत्र का घटना है। इसमें एक जो पीड़ित पक्ष है, उन्होंने किसी साइट पे वहाँ से उनको कॉल आया और उन्हें उस पर एक जैकेट का ऑर्डर दिया है, और वो जैकेट काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे उनको मिल रही थी। उन्होंने उसको पे किया, फिर वो साइट से उनको फ़ोन आया कि आपको कुछ इसमें GST भी पे करना पड़ेगा, तो उन्होंने थोड़ा सा पैसा उसमें और डाला। ऐसे करके करीब 21,000 रुपये जो है उन्होंने उसमें पे किए हैं, और उसके बाद में फिर जब उनको डिलीवरी नहीं हुई उसके बाद वो साइट बंद हो गई, तो उन्होंने शिकायत करी है। उधर रुद्रप्रयाग में अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने समस्त थाना और चौकियों में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इसमें बाहर से आने वाले लोगों की वेरिफिकेशन की जाएगी। वहीं
पुलिस अब तक 1500 से ज्यादा बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन कर चुकी है, साथ ही 100 से ज्यादा मकान मालिकों का भी चालान किया गया है। बता दें कि रेल परियोजना और ऑल वेदर कार्य के शुरू होने के बाद से ही जिले में बाहरी लोगों की आवाजाही ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते यह अभियान चलाया गया है।